बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2020 की हाइलक्स, टोयोटा हाइलक्स रेवो है, डीजल इंजन, और इसके अंदर ये पुश स्टार्ट टाइप है। इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम आ गया है कि इसके ब्रेक के सिस्टम के अंदर मलफंक्शन आ गया है, जिसकी वजह से ये ब्रेक दबा के हम इसको पुश स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम आपको मेथड एक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको एमरजेंसी पे स्टार्ट करना है अगर इस तरह का ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेक का फ्यूज़ वगैरह या उसकी वायरिंग के अंदर इशू की वजह से फिर ये स्टार्ट नहीं हो पाती ब्रेक का पेडल दबा के डिप्रेस करके। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि एक दफ़ा हमने डिप्रेस करना है स्विच को और दूसरी दफ़ा हमने इसको दबा के रखना है जबकि लाइट्स इसके ऊपर आ जाती हैं। इस टाइम हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है। तकरीबन अभी देखते हैं कितनी देर के लिए दबाते हैं इसको। डिप्रेस किया हुआ है, ब्रेक पेडल से ऑफ है मेरा पैर, ब्रेक पेडल को नहीं दबाया हुआ, और ये इसने इसको ब्रेक स्विच को बाईपास कर दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और लेकिन इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हमें ब्रेक पेडल ही रिक्वायर्ड है इसके लिए, गियर को शिफ्ट करवाने के लिए, तो ये अगर शिफ्ट नहीं होता है, ये अब शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक पैडल का जो है वो वायरिंग के अंदर इशू आ चुका है। तो हम इसके साथ नॉच मौजूद है, इस नॉच के अंदर हम की इंसर्ट करेंगे और इसको गियर को डी के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि ये आर के ऊपर आ गया और एन पे ये शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग अब प्रॉपरली हो रही है। ये ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके सर्किट के अंदर है ब्रेक स्विच ए बी कोरिलेशन। इसमें दो स्विचेज होते हैं, इनका आपस में कोरिलेशन ठीक नहीं है, ये फ्यूजेस वगैरह उड़ जाते हैं या फिर आपके जो है वायरिंग के अंदर इशू होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये कोड है और इसके गैस गाड़ी की स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो ये एमरजेंसी स्टार्ट का मेथड है।